तो यार ये मस्त लगा मुझे, अपर डाउन अपर डाउन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ यार गोल्डन सैंड के इस फ्लैक्सी स्मार्ट लैपटॉप स्टैंड का। जी हाँ दोस्तों, ये एक हाइट एडजस्टेबल फोल्डेबल स्टैंड है। क्या इसके फीचर्स हैं और जिस प्राइस पर ये अवेलेबल है मार्केट में, उस प्राइस में ये वर्थ है नहीं, सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप अपने लिए एक बढ़िया लैपटॉप स्टैंड ढूंढ रहे हैं ना, अगर आप नेक पेन से बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जब आप लैपटॉप पर काम करते हैं अपने इस तरीके के कुछ सेटअप पर या बेड पर आपको अच्छा व्यूइंग एंगल भी नहीं मिलता है, तो भाई इस तरीके का जो स्टैंड है ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जरूर इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ भाई, अगर चैनल पहली बार आए तो यार देख करो, आपके भाई का चैनल है, फटाफट से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पर सेट कर दें, ताकि आपको इसी तरीके से पीसी कंपोनेंट्स के कुछ और गेमिंग पेरिफेरल्स की जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बॉक्स में ना हमें जो प्रोडक्ट है यार देखने को मिल जाता है, और बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें कुछ इस तरीके के कैरी पाउच में है ना ये जो लैपटॉप का स्टैंड है देखने को मिल जाता है कम्प्लीटली। और ये वेलवेट वाला स्टफ इसमें हमें देखने को मिलता है। कैरी पाउच की जो क्वालिटी है ना मुझे प्रीमियम लग रही है, सही यार, एटलीस्ट कैरी पाउच दे दिया ब्रांड ने इसके अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हैं फाइनली हमें कुछ इस तरीके का जो लैपटॉप स्टैंड है ना ये देखने को मिल जाता है। और यार लिटरली इसकी जो भाई फर्स्ट इंप्रेशन रहे ना मेरे इसके साथ, काफ़ी तगड़े रहे हैं, देखने में काफ़ी मतलब प्रीमियम फील देता है ये। कम्प्लीटली हमें यहाँ पर है ना एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर कई कई जगह है ना इन्होंने सिलिकॉन की जो पैडिंग है ना, सिलिकॉन की यानी कि जो ग्रिप है वो दे रखी है, ताकि जो लैपटॉप अगर आप इसमें रखें या टैबलेट रखें या इवन मोबाइल रखें तो मतलब फिसले विसले ना, इससे आपके लैपटॉप को एक तो स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ेंगे किसी भी जगह से। तो मतलब काफ़ी चीज़ों को है ना इन्होंने सोच समझ करके इसको यार बनाया है, डिज़ाइन करा है। और आप देख सकते हैं इसका जो वेट है ना वो हमें लगभग 239 ग्राम्स के आसपास का देखने को मिल जाता है, तो ठीक है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। बट हाँ भाई, 239 ग्राम्स का ये बेशक से है, लेकिन आप है ना इसमें 5 किलो तक के अगर आपके लैपटॉप में वजन है ना तो आप इसके ऊपर मतलब वो रख सकते हैं, ये संभाल लेगा 5 किलो तक के वेट के लैपटॉप। और बाकी अगर मैं बात करूँ इसके कुछ फीचर्स के बारे में फटाफट से, तो भाई आप देख सकते हैं एक तो ये ना कम्प्लीटली फोल्डेबल हाइट एडजस्टेबल वाला स्टैंड है, आप इसको इस तरीके से फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो जब आप फ्री होते हैं तो बस आप इससे यूं यूं करके खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है, मजे आते हैं, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और आप देख सकते हैं भाई हाइट एडजस्ट करने के ना यहाँ पर हमें 7 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप इसको है ना इन ये 7 आप होल्स देख रहे हैं यहाँ पर किसी में भी इसको नीचे अटका सकते हैं। सिंपल है यार, बिल्कुल ईजिली है ना फिट बैठता है, कोई यहाँ पर मेहनत वगैरह नहीं करनी आपको। जो भी आपको हाइट चाहिए, जो भी आपको व्यू एंगल चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इसमें फिट कर सकते हैं दोनों साइड के। इसमें आप 4 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक के लेवल की ना हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और 15 डिग्री से 45 डिग्री तक के एंगल का है ना आप जो मतलब एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, तो व्यूइंग एंगल इसमें ठीक मिल जाएगा यार। अगर आप इस तरीके के डेस्क पर अपना लैपटॉप वगैरह रखते हैं तो आपको जो व्यूइंग एंगल है ना इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात भाई मुझे तो इसमें ये लगी, मैं एक तो थोड़ा आलसी हूँ और बेड वगैरह पे काम करते हैं, और मतलब जो दूसरे तरीके के लैपटॉप स्टैंड आते हैं ना उनको यार एक रूम से दूसरे रूम में कैरी करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला काम हो जाता है, और इसको आप बिल्कुल मतलब इजीली जेब वगैरह में रख कर के है ना कहीं पर भी लेकर के डोल सकते हैं, इसको एयरपोर्ट में काम कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, पार्क पर अगर इसको लेके जाना चाहते हैं लैपटॉप के साथ में, तो ले जा सकते हैं, तो आराम से 1 सेकंड के अंदर खोला और काम करना शुरू कर दिया लैपटॉप पर। और भाई इसके ऊपर की जो फिनिश है ना वो लिटरली मुझे काफ़ी मस्त लगी यार, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। सैंड ब्लास्टिंग कलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मतलब इन्होंने इसमें जो फिनिश वगैरह है ना वो कर रखी है। लगभग मुझे इसको यूज़ करते करते ना 1 महीने 2 महीने हो चुके हैं, और अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिले, जबकि ना मैं इसमें अपने लैपटॉप को मतलब काफ़ी रफ एंड टफ तरीके से रखता हूँ, पटकता हूँ और यूज़ करता हूँ, और लैपटॉप पे भी है ना कोई स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर है ना हर जगह इन्होंने जो सिलिकॉन की रबड़ वगैरह है ना जो ग्रिप पे अच्छी दे रखी है, प्रोटेक्ट भी करती है लैपटॉप को स्क्रैचेस वगैरह से। और लैपटॉप में है ना आपको पता है नीचे की तरफ एयर वेंट्स वगैरह होते हैं, जिससे कि जो एयर है ना जो हीट वगैरह होती है लैपटॉप की नीचे से निकल जाती है, साइड से निकल जाती है, तो कोई से भी वेंट्स वगैरह ये ब्लॉक नहीं करता, वेंट्स के बीच में नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा मतलब एयर सर्कुलेशन का है ना आपको स्पेस मिल जाएगा। जब कभी हम बेड पर भी बिना स्टैंड से काम करते हैं ना तो जो एयर वेंट्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, उससे आपकी लैपटॉप की लाइफ पर भी है ना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लैपटॉप की लाइफ कहीं ना कहीं भाई कम होती है। और भाई इसके किसी भी पार्ट में है ना कहीं वोवल वगैरह मुझे देखने को नहीं मिली, कहीं महसूस नहीं हुई मुझे, सारे पार्ट इसके है ना मतलब अच्छे तरीके से कस वस रखे हैं। तो बस यार यहीं पर देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है मतलब दे भी रही है नहीं दे रही है। अगर मैं बात करूँ मैं इसके प्राइस की, तो आज के दिन इसका जो प्राइस है ना लगभग 1600 रुपये के आसपास है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट एक नंबर है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है।
अगर प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो 1100-1200 रुपए के आसपास हो जाए ना, तो बल्कि डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी भी प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा तो है ही, वैल्यू फॉर मनी भी बन जाएगा। स्टिल अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप आर्कमिक्स करके इसको ले सकते हैं, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है। तो भाई वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पर जो बेस्ट बाय लिंक है वो डाल दिया है, वो जाकर जो उसे चेक करना, अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं। और आप जरूर से बताना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको ये जो प्रोडक्ट है ना वो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी, वर्थ लगा नहीं लगा प्राइस के हिसाब से। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी, तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।